नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि कई बार हीरो विलन को और विलन हीरो को सिर पे गोली मारता है। जैसे ही वो सामने वाले को सिर पे गोली मारता है तो उसके माथे पर घाव हो जाता है, चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है और वह सिर पर गोली लगते ही वह मर जाता है। जैसे ही कोई किसी के माथे पर गोली मारता है, सामने वाला एकदम से गिर जाता है या फिर मर जाता है। तो फिल्मों में गोली मारने वाला गोली असली मारता है या गोली नकली मारता है, या उसकी गोली सामने वाले के माथे पर जाकर चिपक जाती है, या फिर उसके गोली में कोई लाल रंग का केमिकल होती है। अगर गोली मारने वाला नकली गोली मारता है तो सामने वाले के सिर पर घाव कैसे हो जाता है और खून कैसे निकल जाता है? तो चलिए, आप लोगों के मन में आ रहे इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में देते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि फिल्मों में गोली कैसे मारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो गोली चलाने वाला इंसान होता है वो किसी खाली जगह पर अपने बंदूक से फायरिंग करता है ताकि उस सीन को गोली के असली आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाए। जब गोली खाली जगह पर चल जाती है तो उसी जगह पर अगले सीन में एक ऐसे इंसान को खड़ा कर दिया जाता है जिसके सिर पर गोली मारनी होती है और उस इंसान के माथे पर घाव बना हुआ दिखता है। वो पहले से ही मेकअप के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। फिल्मों में अक्सर मेकअप के द्वारा सिर पर घाव बनाने के लिए वैक्स का, तेल का और नकली खून का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स के ऊपर तेल लगाकर वैक्स का लेप तैयार कर लिया जाता है और उस लेप को सिर पर गोली खाने वाले इंसान के माथे पर चिपकाकर गोल गोल घाव के जैसे आकार बना दिया जाता है और घाव के बीच में गहरे खून को दिखाने के लिए पेंटिंग ब्रश के मदद से नकली खून लगा दिया जाता है और अगले स्टेप या फिर अगले सीन में उसके खून को घाव के आसपास बिखरता हुआ दिखाने के लिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से खून को घाव के चारों ओर बिखरता हुआ या बहता हुआ दिखाया जाता है और अगले ही स्टेप में इंसान मरने की एक्टिंग या फिर गोली चलते ही मरने की एक्टिंग खुद कर लेता है। तो दोस्तों, हर फिल्मों में गोली चलाने से लेकर गोली खाने तक या खून के बहने तक मरने की एक्टिंग करने तक इस तरह से पूरे सीन को फिल्माया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।